दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने अपने एक व्लॉग में अपने प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर पर अपनी तकलीफों के बारे में बताया। दीपिका का इस फेस को लेकर दर्द छलका। एक्ट्रेस ने कहा, थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ। इसके अलावा एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि अब उनकी मम्मी भी उनका ख्याल रखने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई हैं और दीपिका इस बात से बहुत खुश है। अपनी माँ के मुंबई शिफ्ट होने के बारे में बात करते हुए दीपिका कक्कड़ ने कहा, मम्मी भी धीरे धीरे यहाँ सेटल हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी ने मेरे पास सेटल होने का फैसला किया। अम्मी और मम्मी यहाँ मेरे करीब रहेंगे, खास तौर पर प्रेगनेंसी के दिनों में ये सब मेरे आसपास हैं, इस बात से मुझे बहुत राहत मिलती है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। आगे दीपिका ने कहा कि इस समय मम्मी का घर सेट हो रहा है, धीरे धीरे हम उनके लिए चीजें सही कर देंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अजीब चीज से गुजर रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ये प्रॉब्लम रही, लेकिन अब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है मेरा सो पाना। मैं जब रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज मेरी मदद नहीं कर पाती, मैं 5 बजे के आसपास सोती हूँ और फिर सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, फिर मुझे भूख लगती है तो मैं बिना चीनी वाली चाय पीती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मेरी शुगर बंद कर दी है। 10 से 11 बजे सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ। एक्ट्रेस ने इस प्रेगनेंसी के फेज के क्यूट मोमेंट्स शेयर करते हुए कहा कि अगर मैं थोड़ा बहुत हिलती हूँ तो अंदर से मुझे बच्चा किक मारता है और याद दिलाता है कि मैं अंदर हूँ, मुझे धक्का ना दें। दीपिका ने कहा कि मैं इस फेज को एंजॉय कर रही हूँ और हमारे बच्चे के आने का इंतजार कर रही हूँ। एक्ट्रेस ने अपनी बात को खत्म करते हुए बोला कि शोएब और मैं अभी जो अनुभव कर रहे हैं उसका हमने सिर्फ सपना ही देखा था। वेल यस दीपिका, अब ये बच्चा आ रहा है तो सारे सपने पूरे होंगे, अब तो आपका सपनों का आशियाना भी बन रहा है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।